6 इंच के पॉट में आप कौन कौन से प्लांट लगा सकते हैं और वेस्ट हमारी बोतल भी पड़ी होती है तो कौन कौन से आप उनमें प्लांट लगा सकते हैं। देखिए ये है छोटा सा पॉट है बिल्कुल, और ये सेरामिक कप नहीं है, प्लास्टिक का कप है, मतलब कप नहीं है, छोटा सा ही पॉट है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं डेविल बैकबोन्स की एक वैरायटी लगी हुई है जो कि मैंने कटिंग से लगाई थी, और अभी आप देख सकते हैं इसमें 3 प्लांट निकल गए हैं, 3-4 प्लांट निकल गए हैं। इसी तरह से ये डिवाइड होता रहता है, तो आप इसके लिए ज़्यादा बड़ा पॉट ना लें, छोटे से पॉट में भी ये चल जाता है देखिए। और अगर आपको ज़्यादा बड़े हाइट की प्लांट चाहिए है तो फिर आपको ज़्यादा बड़ा पॉट लेना पड़ेगा, मतलब आप 5-7 इंच के पॉट में भी इसको आराम से लगा सकते हैं। 10-12 इंच के पॉट की इसको ज़रूरत नहीं है, तो इतने वाले पॉट में भी आप इसको लगा सकते हैं। और ये देखिए 6 इंच का पॉट है, इसके अंदर ऑल्टरनेंथ्रम लगा हुआ है। अगर आप इस प्लांट को और भी छोटे पॉट में आप लगाते तो भी ये आसानी से चल जाता है। ये ऐसा प्लांट है, बस ये फैलता ज़्यादा है इस तरह से, मतलब इसके लिए चौड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, गहराई में ज़्यादा पॉट नहीं चाहिए होता है। जो ये मैंने प्लांट इसके पॉट इसके लिए लिया है ये काफ़ी बड़ा है इसके लिए, अगर आप 3-4 इंच का भी पॉट देंगे इसको तो ये अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा और बहुत ही अच्छे से ये लगने वाला प्लांट है, कटिंग से लग जाता है ये प्लांट, तो इसके लिए ज़्यादा पॉट बड़ा पॉट आप ना लें। छोटा सा ही बोतल लगा लीजिए, इसका आधा हिस्सा मैंने काटा हुआ है और इसके अंदर ये स्नेक प्लांट लगाया है, तो आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। स्नेक प्लांट के लिए भी ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है, वो वैसे नीचे चौड़ाई में ज़्यादा फैलता है, इसकी रूट ज़्यादा बड़ी नहीं होती। हमें इस तरह का पॉट चाहिए होता है, गहराई में नहीं चाहिए होता, हमें चौड़ा पॉट चाहिए होता है, जैसे हमारा बाउल वगैरह होता है तो आप उसमें इसको लगा सकते हैं। देखिए इतने गहरे पॉट की ज़रूरत नहीं होती है, ये कम से कम 2 इंच का होगा, तो ऐसे पॉट में ये प्लांट हमारा अच्छे से चल जाता है। बस इसकी जो रूट होती है, मतलब ये जो प्लांट होता है इसकी रूट इस तरह से निकलती है और इस तरह से ये डिवाइड होते रहते हैं, यहाँ से निकलते रहते हैं, तो हमें इस तरह का प्लांट पॉट इसके लिए लेना चाहिए, ज़्यादा गहराई वाला पॉट नहीं लेना चाहिए। जैसे ये देखिए छोटी सी बोतल में भी प्लांट है, पहले आप इसकी हाइट देख लीजिए, हाइट कितनी बड़ी है, और ये कम से कम होगा 5 इंच का पॉट होगा। ये मेरा किचन से निकला हुआ तेल का डब्बा है, इसके अंदर मैंने लगाया है। ये प्लांट ऐसा है छोटे से भी पॉट में आप इसको लगाएंगे तो बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है, ज़्यादा बड़ा पॉट आप इसको देंगे तो ये प्लांट बहुत लैगी हो जाता है और फिर आउट ऑफ शेप होके ये प्लांट अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए छोटे से पॉट को आप चूज़ कीजिए और इसको लैगी मत होने दीजिए, इस प्लांट को आप घना बनाइए कि हमारा जो पॉट है वो पूरा ढक जाए और हमारा प्लांट अच्छा लगे। देखिए ये भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, नीचे से खाली हो गया है और ऊपर ये इसकी मतलब पूरी ये जो टहनी वगैरह है मैं पिंच करती रहती हूँ, तो ये ज़्यादा ग्रोथ में हो गया है। तो इस प्लांट के लिए आप ज़्यादा बड़ा पॉट ना लें, नहीं तो फिर ये लैगी होगी, अच्छा नहीं लगता है, तो छोटे से पॉट में ये सर्वाइव कर जाता है, इसके लिए ज़्यादा बड़ा पॉट ना खरीदें। स्पाइडर प्लांट है, स्पाइडर प्लांट भी बहुत खूबसूरत लगने वाला प्लांट है और आप इसके लिए भी ज़्यादा बड़ा पॉट ना खरीदें, छोटे से पॉट में ये लग जाता है। ये मैंने बोतल काट के, जो हमारे कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है उसको मैंने हाफ हिस्सा कट कर लिया है। अगर आप इतना भी पॉट देंगे, इसका आधा हिस्सा भी इसको पॉट देंगे तो भी ये चल जाता है और काफ़ी अच्छा लगता है। ये बास्केट में भी चल जाता है, पॉट में भी चल जाता है और वेस्ट डब्बे में भी चलने वाला प्लांट है। आप इसको पानी कम दे और शेमी शेड में इस प्लांट को रखें, ज़्यादा पानी ये प्लांट नहीं लेता है, ज़्यादा पानी आपने दे दिया तो ये ख़राब हो जाएगा। और इस तरह से देखिए मोस्टिक पे भी आप इसको लगा सकते हैं तो बहुत खूबसूरत लगता है ये प्लांट। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, मैंने इसको मोस्टिक पे चढ़ा दिया है तो इसकी खूबसूरती और बढ़ गई है। और इस प्लांट को डिवाइड करना बहुत आसान है, ये देखिए इस तरह से इसके पप्स निकलते हैं तो हमारे पास इतने सारे प्लांट बन जाते हैं। तो इस प्लांट के लिए भी ज़्यादा बड़ा पॉट ना ले, छोटे से पॉट में भी ये प्लांट है। सिंगोनियम प्लांट के लिए भी कम से कम 4-5 इंच का पॉट होगा तो भी चल जाएगा, इससे भी छोटा आप पॉट इसको देंगे तो भी चल जाएगा। और आप इसकी ग्रोथ भी देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है, देखिए। तो आप इसके लिए भी छोटा सा पॉट चूज़ कीजिए, ज़्यादा बड़ा पॉट मत खरीदिए, छोटे से पॉट में भी जब चल जाता है तो ज़्यादा बड़ा पॉट खरीदने की हमें क्यों ज़रूरत पड़ेगी, जब हमारा इतना सुंदर प्लांट ये देखिए छोटे से पॉट में चल रहा है तो हम ज़्यादा बड़ा पॉट नहीं लेंगे।
तो छोटे से पोट में भी लग जाता है। ये सिंगोनियम प्लांट है और सिंगोनियम प्लांट जितने भी आप देखेंगे मैंने छोटे छोटे पोट में लगाए हुए हैं। सबसे कम से कम 5 इंच के पोट है, इससे ज़्यादा बड़े छोटा सा ही मेरा कप है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। कम से कम 1 इंच 2 इंच का ये पोट होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2 इंच का कम से कम होगा ये, इससे बड़ा ये पोट नहीं है। और इसके अंदर देखिए सेंसीवेरिया ये लगा है, स्नेक प्लांट की एक वैरायटी है। आप इस प्लांट को अपने ऑफिस में, अपने बालकनी में, अपने बेडरूम में, बाथरूम में, कहीं भी आप इस प्लांट को रख सकते हैं। ये प्लांट इंडोर प्लांट है, इंडोर सर्वाइव करता है ये, और इसको बाहर मत रखिए। बाहर रखते हैं तो इसकी पत्तियाँ पीली हो जाती है, इंडोर आप रखेंगे तो इसकी पत्तियाँ इतनी ग्रीन रहेगी, बहुत खूबसूरत लगती है। और ये देखिए इस तरह से ये प्लांट हमारे पास घना होता रहता है, तो हम इसको डिवाइड करते रहते हैं और हमारे पास बहुत ज़्यादा ये प्लांट हो जाते हैं। देखिए मेरा पोट पूरा भरा हुआ है, और ये मेरे पास एक पोट था, छोटा सा ही पोट है, ये टूट गया था। इसका नीचे का हिस्सा है, ये बिल्कुल नीचे का हिस्सा है, इसके अंदर मैंने देखिए लगाया था, और अभी पूरा पोट कवर हो चुका है और मुझे अभी निकालने हैं। तो ऐसे भी आप लगा सकते हैं, छोटे छोटे पोट में लगा सकते हैं। ये देखिए ये है हमारा जड प्लांट, जड प्लांट भी छोटे से पोट में लगा सकते हैं, और इसको भी आप अपनी बालकनी में रख सकते हैं, जहाँ पर धूप आती हो वहाँ पर इसको रखना है। इस प्लांट को आप इंडोर मत रखिए, छाया में मत रखिए, ये प्लांट धूप में चलने वाला है। परमानेंट इसको धूप मिलती रहे, मतलब पूरे दिन की धूप मिल जाएगी तो भी अच्छा चलता है, आधे दिन की अगर इसको धूप मिलती है तो भी ये अच्छे से सर्वाइव करता है। लेकिन आप इसको इंडोर मत रखिए, इंडोर इसकी पत्तियां पीली हो जाएगी और फिर सारी झड़ जाएगी और डंडी डंडी रह जाएगी, बिल्कुल छोटे से पोट में लग जाता है। ये हमारा है पर्पल हार्ट, और अभी आप देख सकते हैं इस पर इतनी डस्ट जमी हुई क्योंकि कल धूल आंधी और बारिश भी आ रही थी, इसलिए ये प्लांट अभी गंदा है और काफ़ी अच्छा लगता है। छोटे से पोट में बहुत ज़्यादा फैल जाता है, और मुझे अभी इसकी कटिंग लगानी है, मुझे ये कुछ प्लांट तैयार करने हैं। तो चलिए इसमें से मैं कुछ कटिंग ले लेती हूँ, ज़्यादा लैगी हो गया है और ये गिरता है ये, तो मैं इसमें से कुछ कटिंग निकाल लेती हूँ। ये देखिए इतनी बड़ी इसकी ये जो ब्रांच गई हुई है, मुझे इसको कट कर लेना है। ये देखिए ये मैंने कट कर लिया है, और इसमें से भी देखती हूँ मैं काटती हूँ, इसमें से भी मैं काट लेती हूँ। ये देखिए अब हो गया है ये छोटा सा बिल्कुल प्लांट हो गया है, तो इस तरह से छोटे से पोट में भी ये चल जाता है। ये देखिए और अभी ये फिर से बड़ा हो जाएगा, बहुत छोटा पोट है और इतनी लंबी लंबी इसकी ब्रांच हो गई थी, अब मैंने काट लिया है। और ये इसको भी देख सकते हैं, बहुत छोटा सा ही पोट है ये, तो इसमें भी ये चल जाता है। और इधर देखिए ये जेड प्लांट देखिए मैंने इसमें लगाया हुआ है, छोटा सा ही ये मेरा कप है, इसके अंदर लगाया है, कप नहीं है ये, किसी की कैप है, थर्मस कैप है ये, इसके अंदर मैंने छोटा सा ही पोट है हमारा, और कम से कम ये 6 इंच का तो नहीं है, 4-5 इंच का है। और ये है ट्रेंगल हार्ट है, ट्रेंगल हार्ट की रूट ज़्यादा नहीं फैलती है। इसको भी डीपली पोट आप ना दें, मतलब ज़्यादा गहराई वाला पोट ना दें, अगर ये जो ऊपर का हिस्सा है इतना भी पोट हम इसको देंगे तो भी ये चल जाता है। और ये पोट में भी अच्छा लगता है, बास्केट में भी इसको लगाएंगे तो भी काफ़ी अच्छा लगता है। इस तरह से इसकी ब्रांच लटकती है, छोटे छोटे मेरे पोट्स रखे हुए, ज़्यादा बड़े पोट्स नहीं हैं। और ये देखिए छोटे छोटे पोट्स हैं बिल्कुल, इनके अंदर सेंसीवेरिया मैंने लगाया है, इस तरह से भर जाता है। देखिए पोट बहुत ज़्यादा भर जाता है, छोटे छोटे पोट में भी ये चल जाता है। सेंसीवेरिया ऐसा प्लांट है, ये देखिए ये कप आप देख सकते हैं कितना छोटा कप है, बिल्कुल छोटा सा कप है। और इसके अंदर देखिए प्लांट की ग्रोथ देखिए, आपको दिख रही है प्लांट की ग्रोथ कितनी ज़्यादा हो गई है। तो इस तरह से छोटे छोटे पोट में इन प्लांट को, 3 पोट है, छोटे छोटे पोट्स है, और इनके अंदर मैं ऐसे ही प्लांट लगाऊंगी, छोटे छोटे प्लांट्स लगाऊंगी। बिल्कुल ये 3 इंच का पोट है, और ये मुझे किसी को गिफ्ट देना है, दिवाली का गिफ्ट मैं अभी तैयार कर रही हूँ। तो देखिए 3 पोट्स मैंने तैयार कर लिए हैं, और इनमें मैंने सूखी पत्तियाँ भर ली है और मिट्टी भर रही हूँ अब मैं। और तो मिट्टी में मैंने 4 चीज़ ली है, कोकोपीट ली है, ये देखिए कोकोपीट है इसके अंदर, और गोबर की खाद है, और सैंड है इसके अंदर, और हमारी गार्डन सोयल है। तो 4 चीज़ मैंने इसमें ली है, और सिंपल मिट्टी में बनाती हूँ। और इसके अंदर मैंने फंजीसाइड हल्दी ये ले ली है थोड़ी सी, जो चेन वाला प्लांट था इसको इसके अंदर मैंने लगा दिया है, और 3-4 कटिंग्स थी इसकी, तीनों मैंने लगा दी है, और ये धीरे धीरे अपने आप ही अब सेट हो जाएगा। लगते हैं 10 हफ्ते तो इसको टेस्ट सेट होने में गिफ्ट के लिए तैयार किए हैं ये प्लांट, और मैंने लगा दिए हैं, और दिवाली तक ये सेट हो। और ये देखिए रियो प्लांट मैंने लगाया है इसके अंदर, और ये फिर हमारा है पर्पल हार्ट। इतना सुंदर प्लांट है ये, बहुत हार्डी प्लांट है, तीनों ही इतने हार्डी प्लांट है, और ये आराम से सर्वाइव कर जाएंगे। तो मैंने ये लगा दिए,
इसके लिए पोट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बड़ा पोट मत दीजिए, छोटे से छोटे पोट में ये प्लांट लग जाते हैं। तो आप भी छोटे से छोटे पोट में लगाइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलूंगी ऐसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।